दोस्तों भारत में 5 अक्टूबर से विश्व कप 2023 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए टीमों ने भारत का रुख करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी, लेकिन इस मैच से पहले अफगानिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर नवीन उल हक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। विश्व कप से पहले अफगानिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर नवीन उल हक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। नवीन ने सोशल मीडिया पर भावुक नोट लिखते हुए कहा कि भारत में होने वाले ICC वनडे विश्व कप के बाद वनडे को अलविदा कह देंगे। गौरतलब है कि नवीन IPL 2023 के दौरान विराट कोहली से झड़प के कारण सुर्खियों में आए थे। किसी भी खिलाड़ी के लिए संन्यास लेना आसान नहीं होता है, लेकिन एक किसी न किसी दिन क्रिकेटर को विदाई लेनी ही पड़ती है। नवीन उल हक ने कहा कि वह एक दिवसीय प्रारूप से विदा ले रहे हैं। WKT20 क्रिकेट में इस नीली जर्सी में अपनी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक नोट लिखा, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना एक अत्यंत सम्मान की बात है। मैं इस विश्व कप के अंत में एक दिवसीय प्रारूप से अपनी संन्यास की घोषणा करना चाहूंगा और अपने देश के लिए T20 क्रिकेट में इस नीली जर्सी को पहनना जारी रखूंगा। ये निर्णय लेना आसान नहीं है, लेकिन अपने खेल करियर को लंबा करने के लिए ये कठिन निर्णय लेना पड़ा। मैं क्रिकेट बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे सभी प्रशंसकों को के लिए अटूट प्यार के लिए आभारी हूँ।